हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानोज एवरीथिंग। मैं हूं अर्चना और आज मैं एक बार फिर से आपके साथ अपने ऑनलाइन शॉपिंग का रिव्यू शेयर करना चाहती हूं, जो कि मैंने मीशो से कुछ सामान मंगवाए थे, तो मैं वो सब आपके साथ शेयर करना चाहती हूं, जिससे कि आपको भी अपनी शॉपिंग के लिए कुछ एक्सपीरियंस मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये कुर्ती मंगाई है जो कि फुल रेड में है, फुल ऑन रेड कलर, जो कि मुझे बहुत पसंद है रेड कलर। तो आप देख सकते हैं ये फुल स्लीव्स है, इसके स्लीव पे ये ऐसे गोटा टाइप का है, गोल्डन गोल्डन, जो कि बहुत ही सुंदर लगता है पहनने पे। और इसका नेक ये आप देख सकते हैं ऐसा है कुछ, और ये पूरा गोल्डन गोल्डन ऐसे इस पे है, पूरा प्रिंट टाइप का, बहुत ही ब्यूटीफुल। और ये पूरा साइड साइड में ऐसा दिया हुआ है लेस, जो कि मैंने आपको बताया। और इसके साथ रेड पैंट है एंड इसका दुपट्टा भी मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगा, आप देख सकते हैं ये इसका दुपट्टा है, पूरे रेड रेड लीव्स टाइप के हैं पूरे दुपट्टे पे, देखिए। सो इसका दुपट्टा, ये पूरा सेट मुझे बहुत ही अच्छा लगा ओवरऑल। मैं ये रक्षाबंधन पे पहन भी चुकी हूँ, कुछ इमेजेस मैं डाल दूंगी जिससे कि आपको समझ आ सके कि ये पहनने के बाद पूरा इसका लुक कैसा आएगा। एंड सेकेंड वन इज दिस वन, ये आप देख सकते हैं, ये भी पहनने के बाद बहुत ही ब्यूटीफुल लगा मुझे पूरा ड्रेस है ये है एंड ये कुर्ती है, देन ये पैंट है इसका, ये इसका दुपट्टा है, ये कुछ पीच जैसे कलर में है, आप देख सकते हैं। सो ये दुपट्टे पे ये गोल्डन गोल्डन लेस टाइप का दिया है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। सो ये दो ड्रेस थे जो मैंने मंगवाए हैं मीशो से। एंड थर्ड वन इज दिस लाइक्रा ब्लाउज। लाइक्रा ब्लाउज की एक ही खासियत होती है कि वो बहुत ही स्ट्रेचेबल होता है। ये एक लाइक्रा ब्लाउज मैंने मंगवाया है एंड ये दूसरी है जो मैंने वियर कर रखा है। ये दो ब्लाउजेज मैंने मंगवाए मीशो से, जो कि ये आप देख सकते हैं कि पूरा स्लीव्स है इसका नेट का, और इसमें फ्लावर फ्लावर जैसा मतलब बना हुआ है नेट पे। सो ये बहुत ही ब्यूटीफुल है, इसके नेक पे भी ये आप देख सकते हैं, ये इसका फ्रंट साइड है, इस पे भी ऐसे नेट की डिजाइन दी हुई है। और जो मैंने वियर किया है वो भी आप देख सकते हैं, इस पे भी ये फ्रंट साइड में नेट का डिजाइन दिया हुआ है एंड स्लीव्स पे भी नेट दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। एंड फोर्थ इज, जो कि आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, आप देख सकते हैं मेरी इयररिंग। फ्रेंड्स, ये झुमके मुझे जब भी मैंने मीशो पे देखा, मुझे तुरंत लगा कि मुझे अब ये मंगाना ही चाहिए, बिकॉज ये देखने के बाद ही मैंने मतलब एज्यूम कर लिया था कि मुझे ये साड़ी पे वियर करना है और ऐसे पहनना है, इस दिन पहनना है, सब मैंने सोच लिया था। सो मैंने फटाक से इसको ऑर्डर कर दिया। सो अगर आपको भी ये पसंद है तो जरूर से आप ऑर्डर कर सकते हो, बिकॉज जब मैंने ये मुझे मंगाए हुए ये 2 से 3 हफ्ते हो चुके हैं, जब मैंने ये मंगाया था तो ये आउट ऑफ स्टॉक चला गया था। सो दैट्स वाई मैंने इसका रिव्यू नहीं दिया, बिकॉज अगर आप लोगों को पसंद आएगा और आपको लेना होगा और आउट ऑफ स्टॉक रहेगा तो फिर आपको भी लगेगा कि ये चीज दिखाती हूँ मैं जो कि आउट ऑफ स्टॉक रहती है। सो इसलिए मैं इसका स्टॉक में आने का वेट कर रही थी। सो अभी ये स्टॉक में आ चुका है। मैं इसका जो भी कोड वगैरह है, बिकॉज आपको पता होगा कि मीशो से बार कोड डाल के ही सर्च बार में फिर ही आप कोई प्रोडक्ट मंगा सकते हैं, तो जितने भी सामान मैंने लिए हैं वो सबका मैं बार कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से जाके चेकआउट जरूर कर लेना। एंड फिफ्थ वन इज दिस चूरा, ये ऐसे बॉक्स में आया था, ये भी मैं पहन चुकी हूँ तो थोड़ा इधर उधर हो गया है ये चूरा, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। मतलब किसी भी साड़ी पे आप ये चूड़े पहन लो तो फिर अलग ही लुक आ जाता है, मतलब मैचिंग के बैंगल्स वगैरह से अच्छा चूड़ा पहनना बेटर होता है। सो जब से भी मेरी शादी हुई है मैं बैंगल्स को स्किप करती हूँ एंड चूड़ा ही पहनना प्रेफर करती हूँ, बिकॉज रेड चूड़ा हो या पिंक हो वो हर साड़ी के साथ चला जाता है। सो आई लव दिस। अब जो नेक्स्ट है वो है साड़ी, जो कि मैंने उस दिन पहले ही बाय किया है, ये आप देख सकते हैं, ये सिल्क की साड़ी है, येलो और मतलब ऑरेंज टाइप का रेड है इसमें, और ये एक्चुअली मुझे एक पूजा में पहनना है साड़ी, तो दैट्स व्हाई मैंने ये रेड एंड येलो कलर मंगाया, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लगा मुझे। सिल्क की साड़ी है, इसका ये ब्लाउज पीस था इसमें, इसमें ये ब्लाउज पीस था जो कि मैंने अब ब्लाउज स्टिच करा लिया है इसका, बिकॉज पूजा में पहनना है तो मतलब टाइम नहीं था, तो इसलिए मुझे इसे तुरंत स्टिचिंग के लिए देना पड़ा। नेक्स्ट इज अगेन सिल्क साड़ी, बिकॉज आई लव सिल्क साड़ीज़,
सो जो कि ये है, ये आप देख सकते हैं शाइनिंग सिल्क है, ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल लगी मुझे, सो मुझे ये मंगाना ही पड़ा। एंड इसके साथ ये ब्लाउज फैब्रिक गोल्डन कलर में आप देख सकते हो, तो ये सारी एक हुई। एंड नेक्स्ट वन इज ये भी शाइनिंग सिल्क की फैब्रिक है, वैसे ही सारी है, बस कलर डिफरेंट है। सो मैं आपको दिखा देती हूँ, आपको जो कलर पसंद आए वो बाय कर सकते हैं। दिस ये कुछ डार्क ब्लू में है, सो मेरे पास ये कलर था भी नहीं। एंड ये थोड़ा शाइनिंग है, तो मतलब पहनने के बाद बहुत ही अच्छा लगने वाला, दैट्स व्हाई मैंने ये मंगाया। एंड इसके साथ ब्लाउज फैब्रिक जो है वो सेम दे दिया है, बट प्रिंट दिया है इस पे गोल्डन रंगोली टाइप का, सो ठीक है, ये भी अच्छा ही लगेगा पहनने पे। एंड लास्ट वन इज ये जॉर्जेट में है, दिस वन, ये पैरेट बना हुआ है, ये पूरा थ्रेड वर्क है पैरेट का। एंड ओवरऑल साड़ी पे ऐसे पेपर मिरर का वर्क है, ये आप देख सकते हैं, ये ऐसे ऐसे ओवरऑल साड़ी पे। एंड पूरा नीचे साइड में ये पैरेट है थ्रेड वर्क का बना हुआ, और ये लीव्स वगैरह ऐसे बने हुए हैं। सो ये भी गोल्डन में मैंने मंगाया, बहुत ही ब्यूटीफुल साड़ी है। एंड जो भी मैंने साड़ी मंगाई वो बहुत ही मतलब वेट रहता है ना साड़ी का, कि बहुत वेट रहता है तो हम कैरी नहीं कर पाते, सो ये सब बहुत ही लाइट वेट की साड़ी है। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय।